और इसी बीच एक और बड़ी खबर जौनपुर से आपको बता दें। जौनपुर में किशोरी को अगवा कर रेप की कोशिश की गई है। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक किशोरी को अगवा कर लिया गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। ऐसे में घायल किशोरी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें अस्पताल से ही बल्कि ये किशोरी से रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। वार्ड बॉय का बेटा है आरोपी और ऐसे में युवक पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। तो वहीं पूरे मामले की छानबीन करते हुए इस जांच में सामने आया है कि एक वार्ड बॉय का बेटा ही इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक ने किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया है। अस्पताल के अंदर ये दुष्कर्म के प्रयास की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। इसी के साथ ही अस्पताल में ही बता दें कि किशोरी के साथ इस तरह का प्रयास किया गया है और वार्ड बॉय के बेटे का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आ रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर जौनपुर से इस वक्त की सामने आई है, जहां बता दें अस्पताल में ही एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। सुरेरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जौनपुर में किशोरी को अगवा कर रेप की कोशिश की गई है। तो वही युवक ने किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया और यह आरोपी वार्ड बॉय का, उसी अस्पताल के वार्ड बॉय का बेटा बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बड़ा दावा किया है। पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि योग की उत्पत्ति वास्तव में नेपाल में हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में योग की शुरुआत हुई थी तब भारत आसपास भी नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बालोवतार में अपने आवास पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ओली ने कहा कि जब योग अस्तित्व में आया तो उस समय भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था, भारत गुटों में बट गया था। और उन्होंने कहा कि उस समय भारत एक महाद्वीप या उपमहाद्वीप की तरह था। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यौन हिंसा के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें पर्दे में रहने की सलाह दी है। पीएम इमरान खान ने कहा कि यौन हिंसा के लिए महिलाओं के छोटे कपड़े जिम्मेदार हैं। ये बातें पीएम इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कही है। साथ ही आपको बता दें, इंटरव्यू में पत्रकार ने उनसे पाकिस्तान में रेप पीड़िता को कसूरवार ठहराए जाने के एक मामूली मामले में जो है एक सवाल पूछा था, और इस पर इमरान खान ने कहा कि अगर कोई महिला बहुत कम कपड़े पहनती है तो इसका असर मर्दों पर पड़ता है और इसीलिए वो रोबोट नहीं है, ये कॉमन सेंस है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने रेप पीड़िता पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, बल्कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि पर्दे की व्यवस्था समाज में लुभाए जाने से बचने के लिए है। ऐसे में एक अन्य सवाल के जवाब में पीएम इमरान ने कहा कि पाकिस्तान में ना ही डिस्को है और ना ही नाइट क्लब है, यहाँ बिल्कुल अलग समाज है जहाँ जीने का अलग तरीका है। अगर आप यहाँ पर प्रलोभन बढ़ाएंगे और युवाओं को कहीं जाने का मौका नहीं होगा तो इससे कुछ ना कुछ परिणाम तो सामने आएगा ही। तो मैं आपको बता दें कि इमरान जो है, प्रधानमंत्री इमरान ने ये सब तमाम बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही, जहाँ उन्होंने महिलाओं पर हिंसा के लिए उनके कपड़ों को जिम्मेदार ठहराया है।